बीजेपी को अलविदा कहेंगी पंकजा मुंडे। इस नेता ने किया कैसा दावा? जाने पार्टी से क्यों नाराज हैं मुंडे? इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत सुर्खियों में बनी हुई है, कभी एनसीपी में हुए बदलाव को लेकर तो कभी विपक्ष के एक साथ आने को लेकर। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि बीजेपी नेता पंकजा मुंडे जल्द बीजेपी का साथ छोड़ सकती हैं। आपको बता दें कि पंकजा मुंडे को लेकर एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने बड़ा बयान दिया है। अमोल मिटकरी ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को जिस तरह से पार्टी द्वारा दरकिनार किया जा रहा है उसे देखते हुए पंकजा मुंडे जल्द बीजेपी का साथ छोड़ सकती हैं। मिटकरी ने यह भी दावा किया है कि पंकजा जल्द एनसीपी में शामिल होंगे। मिटकरी ने कहा कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को इसकी जानकारी है, वो धराशिव में TV9 मराठी से बात कर रहे थे। जानकारी हो कि इससे पहले BRS यानी भारत राष्ट्र समिति ने पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री पद का खुला ऑफर भी दिया था। वहीं पंकजा मुंडे की नाराजगी और BRS के ऑफर के बारे में पूछे जाने पर अमोल मिटकरी ने कहा, एकनाथ खड़गे से ने पंकजा मुंडे से मुलाकात की थी, उसके बाद से अब तक के घटनाक्रम पर गौर करें तो पंकजा मुंडे को काफी हद तक बीजेपी द्वारा लगातार अपमान का शिकार होना पड़ा है। इसीलिए हमें विश्वास है कि पंकजा मुंडे एनसीपी में शामिल हो सकती हैं। पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, वो महाराष्ट्र का नेतृत्व हैं। इसलिए मुझे भी लगता है कि उन्हें हमारी पार्टी में होना चाहिए। गौर हो कि गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद पंकजा मुंडे को सियासी बुलंदी नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीदें लगा रखी थीं। जब 2014 में राज्य में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र फडणवीस को मिला और उन्हें मंत्री पद से संतोष करना पड़ा। हालांकि 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पंकजा मुंडे कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी। उस दौरान उनके ऊपर चिक्की घोटाला का आरोप भी लगा था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे बीड के परली से विधानसभा का चुनाव हार गई थी। तब ये आरोप लगाया गया कि उनकी हार के लिए पार्टी के ही कुछ नेताओं ने साजिश रची थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कई ऐसे मौके आए जब लगा कि पंकजा मुंडे को विधान परिषद या फिर राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंकजा मुंडे की बहन प्रीतम मुंडे बीजेपी सांसद हैं, उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। वहीं भागवत कराड़ जो मराठावाड़ा क्षेत्र से हैं, उन्हें राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। कराड़ की तरह मुंडे बहनें भी उसी बंजारा OBC समुदाय से आती हैं। पंकजा इसे मराठवाड़ा क्षेत्र में अपने नेतृत्व को कमजोर करने की रणनीति के रूप में देख रही हैं। पंकजा मुंडे के स्वामित्व वाली एक चीनी फैक्ट्री पर 14 अप्रैल 2023 को GST के अधिकारियों ने छापा मारा था। छापेमारी के बाद पंकजा मुंडे ने बयान दिया था कि GST अधिकारियों से बात की और मैंने उनसे पूछा कि अचानक से ऐसे कदम क्यों उठाया गया। इस पर उनका जवाब था कि ऊपर से एक आदेश था। महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस को सियासी अहमियत मिलने और पंकजा मुंडे को दरकिनार किया जाना भी एक बड़ी नाराजगी की वजह बनी है। हालांकि अगर पंकजा मुंडे एनसीपी में शामिल हुई तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा? पूछे जाने पर अमोल मिटकरी ने आगे कहा, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है ये पूरी तरह से पार्टी का फैसला है। जहां तक मेरी जानकारी है वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, जिन्होंने बहुजन समाज में OBC के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। वो महाराष्ट्र में नेतृत्व कर सकती हैं, यही मजबूत नेतृत्व है। अगर वो पार्टी में शामिल होंगी तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। बाकी सवाल मुख्यमंत्री पद का है और ये फैसला शरद पवार का है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।